वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला, तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे, थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में के ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन न करे, क्या दोष, अमुक जगह 500 रुपए ले आए, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए, तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे, क्या रहस्य, आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है, विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती, वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है, हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए, किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे बकाया सबके दुकान में नहीं है, उनका यही है कि भाई चलो तुम हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना, अच्छा 100 रुपया यहां चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमाते हैं, और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हैं, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं, तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे, तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को अब परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10-20-50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे, आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते, हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर, 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे, यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते, अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है, पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निजन कहते बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना है तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए, आपने इनकी हालत नहीं देखी, आप इनकी बाहरी बातों को देखते अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं ये, कितने संत सेवी हैं, बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं, गाड़ी रुकवाए, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे, आप सोचो भगवान के दर्शन करा के आपसे 100-200-500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी, बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग, बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे, हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 200-500 रुपए मिले उससे कितने संतों का पेट भरते हैं, आपको पता नहीं, इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं, हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के टेम्पो में, कुछ देर पैदल चल लेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते, कभी ऐसा कि नहीं बाबा ऐसा, वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हो संत को फौरन सेवा में दे देते, हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर, और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का गाली आप नहीं जानोगे, वेद की स्तुति से श्री हरि जितना प्रसन्न नहीं होते ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न हो जाते, सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है सारे, ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है, अपने सखाव के साथ लालजू के सखा ए सारे ऐसे बात करते हैं, तो ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे, तुम्हारी गाली गाली होगी ब्रजवासी की गाली गाली नहीं, हरिराम व्यास जी ने कहा ब्रजवासी रसिकों की गाली बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी, भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतो पिनैव मनसाप्या पीड़यन यद गतान, यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं वृंदावन वास कर रहे हैं और आपको यहाँ का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना, इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे, क्यों शाह, क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन है,
पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग है, विशेष हैं ये। ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे हैं, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ, जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है, उसके हैं, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे, कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना, ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जवान पे है, पर जवान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बला हेलन स्वरूप है, बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले, ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी थोड़ा रुक, ऐसे ले, ए बाबा रुक थोड़ा चरण छुआ ले, अरे ले ले आप ब्रजवासी, दंडोत, हाँ खुश रहा, जय बिहारी जी की, कैसे तुम्हें बताऊ, परमहंसों के परमहंस है। जब कोई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आता तो ये कह देते ब्रजवासियों पर दोष दर्शन न करना, वो बच्चे को सोचा करके हाथ ना धो करके ऐसे ही रोटी दे रही हो, पाले ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोष दर्शन, वो बीड़ी मुंह में लिए हो ऐसे रोटी दे दो, वो जूता पहने हो रोटी ऐसे ले लो, ये हम आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अपवित्रता, पवित्रता की सच्ची मानना, ये साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का सिद्ध उपाय ब्रजवासियों की कृपा। श्रीपाद करे, नित्यम प्रीड़यतो नैव मनसा प्या पीड़यन यदगता। अब दूसरी बात, पूज्य श्री महाराज जी जो यहां विराजमान थे, चंद्रशेखर बाबा जी, जब दर्शन करने 25 वर्ष पहले मिले, पूछा कहा बताया ऐसा, अच्छा 3 बातें याद कर लेना, पहली बात तो ब्रजवासियों पर कभी दोष दर्शन न करना, इसके लिए ब्रजवासियों से ज्यादा लगाव मत रखना। सावधानी बताई थी कि इतना ही जितने से हमारी श्रद्धा बनी रहे, ज्यादा गोलों मिलोगे दोष दर्शन हो जाएगा, ब्रजवासियों पर दोष दर्शन ना हो, इसलिए उतना ही प्यार करो जितना तुम सह पाओ, इतने नजदीक ना हो जाओ कि कहीं तुम उनसे हंसी मजाक करके बराबर में उतर आओ फिर दोष दर्शन हो जाए। दूसरी बात, रज रानी के अनन्य रहना। तीसरी बात, लताओं का सम्मान करना। जो ब्रजवासी ब्रज रज और ब्रज लता का सम्मान नहीं करता, तो पूज्य बाबा के वचन डायरी में लिखे थे, उसी समय जाके लिए, पूज्य बाबा ने कहा था कि हम कहते हैं भजन करके रेगिस्तान पे भगवत प्राप्ति हो सकती, वृंदावन में नहीं, यदि ब्रजवासियों का अपमान किया, ब्रजरज का प्रेम नहीं, लताओं का अनादर किया, तो यहां फिर मंगल नहीं हो सकता, ऐसा पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी के वचन। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्या पीड़यन यदगतान। और ऐसा नहीं सिद्धों को लाठी मारी है, पंडित रामकृष्ण बाबा के यहां कोई भगत आए तो भंडारा हुआ, तो खूब सब पवाया सबको, शाम टाइम भांग छान के 8-10 ब्रजवासी आए, बोले हलवा लाओ रबड़ी लाओ, बोले वो तो सुबह बट गया, बोले अब पवाने का नंबर आया तो कह रहे बट, एक डंडा मारा, बाबा की खोपड़ी से रक्त श्राव हो निकले, रक्त बहने लगा, अंदर गए कुटिया में देखा नहीं, अरे बोले बाबा तू तो सही बोल रहा था, अपने ही कपड़ा फारे और पट्टी बांधे, बाबा ने कुछ नहीं कहा, तो क्या इन ब्रजवासियों को अपराध लगेगा? ये श्री कृष्ण पार्षद हैं, चेक करते हैं मटकी कितनी पक्की है, मटकी कितनी पक्की, पक्का समझ लो, ये हम वाणी जी की बात कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी ने लिखा है, हरि के पार्षद ठोक बजा के देखते हैं, और अगर बढ़िया पक्की निकल गई तो प्रेम रस उसमें रखने लायक पक्का। इन ब्रजवासियों को कभी अपमानित मत करना, इनके द्वारा दी हुई पीड़ा को सह जाओगे तो नंद नंदन वृषभानु नंदिनी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। श्रीपाद करें, और जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम शक्त्या प्रियई पूरयन। श्री वृंदावन में किसी भी जंतु को पीड़ा ना दी जाए,
छिपकली है, बीछी है, सांप है, ये सब। हितधाम में रहते थे, 2 बजे रात्रि के एक संत पास में रहते थे, पूज्य जिनके मस्तक पर राधा नाम प्रकाशित हो गया था, स्वामिनी शरण जी की कुटिया में। वो तो बहुत पहले अंतर ध्यान हो गए थे। वो रात्रि में चिल्लाते हुए, बाबा एक काला सांप हमारे कुटिया के अंदर है और अंधेरा एकदम, कैसे निकाले, बहुत भय लग रहा है। 2 बजे रात्रि के उठ ही जाते थे, गए देखाओ वो एकदम कोने पे ऐसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाठी है, उनका इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ा और कहा, देखो आप प्रभु स्वरूप हो, आप वृंदावन के हो, बिल्कुल पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, ना आपको और ना इस संत को आप पीड़ा पहुंचाइए। और एक बांस रख दिया लंबा, उनका इस पे बैठ जाओ आप कृपा करके और हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। आप सच्ची मानिए, धीरे से सकिल गया बांस में, बांस उठाया ऐसे बाहर मदन टेर की तरफ चले गए। यहां हर जंतु परमहंस है, कीड़ा मकूड़ा भी कोई भजन करके आया हुआ महापुरुष है, किसी को यहाँ पीड़ा न पहुंच। जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम सत्या प्रिय पूरयन, शक्ति के अनुसार सेवा कर दो। आप सच्ची मानिए, एक मुट्ठी अगर दाना डाल दिए, 4 यहां के कबूतर सुन लिए, तो सनकादि को आपने भोजन पवा दिया। वाणी जी में लिखा है, यहाँ के कबूतर आदि पक्षी सनकादि के समान महात्मा हैं। यहाँ के सुख सारिका, यहाँ के कुत्ता, यहाँ के पशु पक्षी, हाँ ये सब, यहाँ के बंदर, ये सब भगवत स्वरूप हैं। अरे लाल जी इनको साथ ले जाते थे, इशारा कर दिया पूरी पार्टी बंदरों की, गोपी के घर में गए, अंदर से माखन बाहर निकाल निकाल के बंदरों को पवा रहे हैं। बड़े चतुर हैं, श्री कृष्ण सखा हैं। अब ऐसे तो आप वो आम की पैकेट क्या थी, फ्रूटी, मारा धक्का चश्मा निकाल के ऊपर खड़े हो गए। अब वो चश्मा लिए खड़े हैं, साधारण चीजें डालो फेंकेंगे नहीं, जहां फ्रूटी डाला चश्मा छोड़ दिए। श्री कृष्ण सखा है वो, बड़े हिसाब से पहले आगे ऐसे पीछे धक्का मारे तो जेले को आगे संभलने करे, चश्मा आराम से निकाल लेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। और जो ज्यादा गर्व से आते हैं उनका पर्स निकाल लेते हैं और ऊपर जा जाके 1-1 रुपया ऐसे के सारे पानी का पैसा है तुम्हारा, बेकार का पैसा है ऐसे। यहाँ के बंदर भगवत स्वरूप है, इनको आप ऐसे न समझना कि बहुत उद्दंड है, नहीं, श्री कृष्ण अपने साथ के बहुत, अरे ये तो बड़े काम के है। रामा अवतार में पूरा का पूरा साथ देते थे, पूरा लंका में जहां किसी का प्रवेश नहीं हो सकता तो वहां बिना सीढ़ी के पहुंच जाते थे। अब राक्षस लिए गदा खड़ा है ऐसे, वो पीछे से गए हो गिरा दिया ऊपर कंगूरे से, ऊपर से वो खुद कूद गए उसके ऊपर, उतने में राधेश्याम हुआ। फिर दूसरे वहां ज्यादा तीर बाणों से काम नहीं चलता था, और ऐसे ऐसे महाराज थे, कछु मारे से कछु मरदे से कछु मिले से धरि धूरी, ऐसे महान पराक्रमी, यही सब है भगवान। वहां बहुत मेहनत की तो ठाकुर जी ने कहा कृष्णावतार में माखन खवाएंगे, आओ हमारे साथ, यही आए। अगर प्रमाण लेना हो कि वो ही है तो द्विविध नाम का बानर उपद्रव किया था, पढ़ के देख लेना उत्तरार्ध दशम स्कंद। क्यों, भगवान श्री राम की तरफ जब देखता तो सोचता कि सारा बल तो हम ही लोग लगा रहे हैं, इनकी भुजाओं में कितना बल। एक बार तो लक्ष्मण जी ने देखा कि तेरी दृष्टि ठीक नहीं, तुम्हारे पक्ष में होकर भगवान की भुजाओं को तोलना चाहता है। अभी तो करुणा निदान भगवान है, कुछ करने नहीं देंगे, आगे हम तुम्हें बताएंगे। तो वही बलराम जी के रूप में अवतरित हुए, जब ज्यादा उपद्रव किया तो परम पद प्रदान किया था बलराम जी ने, पढ़ के देख लेना। कह रहे हैं कि यहां जितने भी जंतु हैं, पशु पक्षी, सच्ची मानना, किसी को मारना मत, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अभी तक हमने यहां मदन टेर में रहे, खूब सांप और सब बीछे आदि देखा, पर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई किसी। ऐसे ऐसे रात्रि में देखते, वर्षा के समय से निकल रहे, और जब वो बाढ़ आई थी तो हमारी कुटिया के बिल्कुल लेवल पानी भरा, इतना इतना सब, तो खूब आराम से तैरते हुए सांप बिच्छू, अंधेरा कहीं बिजली नहीं। पर अपने लोग तो ऐसे जीने का अभ्यास था, इसलिए ना भिक्षा की, ना शौच की व्यवस्था, ना लघुशंका की, ना पीने की, और ना शयन की, क्योंकि
अब पानी सब जगह भरा तो बारंडे में आके खड़े हो जाते ऐसे। हाँ, बाबागिरी कोई ऐसे थोड़ी साधारण थोड़ी, जब भगवान में चित्त जोड़ दो तो मृत्यु का भी भय खत्म। जंतुन भक्ति भरान नमस्य सततम शक्त्या प्रियई पूरयन, शक्ति के अनुसार इनका प्यार करो लेकिन इनको कभी कष्ट मत दो। वृंदावन के जंतु ये सब श्री जी के पार्षद है भजनानंदी। जैसे श्रीपाद कह रहे हैं मैं नाली का कीड़ा बना दो, तो कीड़े भी श्रीपाद जैसे महापुरुष है, कोई साधारण नहीं। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादिके, वृंदावन वास करने वाले या वृंदावन आए हुए जन, वृंदावन की उपासना में चित्त लगाए हुए, यदि लाभ हो तो जय श्री राधे और यदि हानि हो जाए तो भी जय श्री राधे, बड़ा मंगल होगा। जैसे जैसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं वैसे वैसे हमारे अशुभ नष्ट होते हैं। कच्चे अशुभ ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, जो पक्के प्रारब्ध बन करके आए हो थोड़ा भोग देते हैं। हो सकता है आप बड़ी श्रद्धा से वृंदावन आए हो, आपके हाथ पैर में कुछ लग जाए, आप गिर जाओ, कोई हानि हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, वो आपका बड़ा भारी अशुभ छोटे में निकल रहा है। इसलिए लाभ हो जाए तो जय श्री राधे और हानि हो जाए तो जय श्री राधे। मन में क्षोभ मत करो, धाम में आया था मेरी जेब कट गई, धाम में आया था मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्या धाम का लाभ मिला? नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिला, कोई बहुत बड़ा महान संकट इतने में कट गया। जया जयोन्नति, यदि तुम यहां आए हो कोई कामना लेकर उसकी पूर्ति हो जाती, जय हो जाती, या उसकी पूर्ति में सीधे बाधा पहुंच जाती है, तो भी आप समझना कि कोई महामंगल विधान भगवान ने रचा है, दोष दर्शन मत करना। विपन्न मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धीवशन वृंदावनम वंद्यताम, जो मान अपमान को लाभ हानि को जय पराजय को समान समझ करके श्री धाम वृंदावन में वास करता है वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में जय पराजय में सुख दुख में मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहाँ मारता नहीं, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है, वंद्यताम जगत वंदनी हो जाता है। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवन्नीचैः कृतान् कोटिशो भक्षाच्छादनवास कुट्यमिलनात् दुःखान्यलं कोटिशः, यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे, नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो फिर कष्ट सहो, इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली दे के वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो, जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद मिले, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ए भगवान के धाम में और रोज भजन करते हैं, हमको रोज गाली देता है तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवन नीचे ही कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, तो एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं था, राधे श्याम दरवाजे पे बोला एक आवाज भी, दूसरी जोर से बोल दिया राधे श्याम, अरे वो एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते हैं ऐसे सैकड़ों गाली, और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कह दे आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कह रहे थे खड़े रहो, हम खड़े रहे, फिर बोलो राधे श्याम, दो तीन बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके महाराज जी इतनी गालियां, बोले ये रोटी तुम्हारे को
बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी। और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की, ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रहे हैं गालियां दे करके। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव के गुरु जी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रहे थे, खड़ी हुई देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना थपवा बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार? बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तो उनका अरे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा दे रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बस जाओ परिक्रमा जा, कंडा नहीं थपवाए। वो बका बोले से बड़े ये ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे बड़े करुणा में, इनका प्यार दुलार देखो। हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूछे बाबा कल आयो ना आए, रोटी रखी रही इंतजार करते रहे बाबा आयो ना। ए ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। बोले दुर्वाच्यान शास्त्र सा परिभवन नीचई कृतान कोटिशो, वैसे कहीं भी साधना करो ये सहना पड़ेगा, अगर सहन नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भजन करने के लिए सहत सहत बाढ़े भगत इग्रह तन गुरु हित गार, भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुख्यान्यलम कोटिशा। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना, आप देखना इसका परिणाम देखना। कामाद्यै रति पीड़या च मनुषो वैकल्यमात्यंतिकम्, जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है, भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। ये सोढ़ापि वसंत केल विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः, मैं उसे नमः नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है सारे दुखों को सहते हुए।